बफर सोल्यूशन इज प्रिपेर इन विच कंसन्ट्रेशन ऑफ एन एच थ्री एन एच थ्री की कंसनट्रेशन दी है एज जीरो पॉइंट थ्री जीरो मोलर एंड कंसनट्रेशन ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव इज गिवन एज जीरो पॉइंट टू जीरो मोलर इफ द इक्वलिग्रम कॉन्सटेंट के बी फॉर एन एच थ्री इज इक्वल टू वन पॉइंट एट इन टू टेन दुपर माइनस फाइव वट इज़ दी एच ऑफ दिस सोल्यूशन क्लियरली यहाँ पर के बी की वैल्यू दी है दैट मीन्स ये बेसिक बफर होगा बेसिक बफर होगा तो यहाँ पे एन एच फोर पॉजिटिव जो है ये क्या बना रहा है बेस बना रहा है यानी कि इसमें वाटर एडिशन हो रहा है एंड दिस इज फॉर्मिंग एन एच थ्री ये प्रोटोन को रिलीज कर रहा है ना तो एच थ्री को पॉजिटिव बन रहा है इसका हमने एग्जाम्पल एक्जा, भी देखा था इस तरीके से रिएक्शन हो रही है यानी हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं कि पी ओ एच इज इक्वल टू हाउ मच पी के बी प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस यही होता था सॉल्ट अपॉन बेस अगर हम रिएक्शन नहीं भी देखते तो हमें ये वाली रिएक्शन ये वाली इक्वेशन पता है या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ओ एच इज इक्वल टू पी के वी प्लस लॉग ऑफ नीचे लिखेंगे बेस की कंसेंट्रेशन और ऊपर सॉल्ट नहीं लिख के क्या लिखते हैं उसी का कॉन्जुगेट एसिड लिखते हैं कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है जैसे अगर बेस क्या हो जाएगा बेस का काम क्या होता है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना तो यहाँ पे क्लियरली ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को सो so, ये किसकी तरह काम करेगा एसिड की तरह क्योंकि ये प्रोटॉन को रिलीज कर रहा है और ये काम करेगा बेस की तरह तो इसका कॉन्जुगेट पेयर है ये ये गैस का कॉन्जुगेट एसिड है तो हम यहाँ पे पी निकालेंगे पहले पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी कितना होता है माइनस लॉग ऑफ के बी प्लस लॉग ऑफ कॉन्जुगेट एसिड की जगह किसकी कंसर्ट्रेशन लिखेंगे एन पॉजिटिव की और बेस की जगह किसकी लिखेंगे एन की तो यहाँ पर आ जाएगी पी की वैल्यू माइनस लॉग ऑफ के भी कितना दिया था वन पॉइंट एट इन टेन रेज टू द पार माइनस फाइव प्लस लॉग ऑफ एन एच फोर पॉजिटिव दिया जीरो पॉइंट टी टू और एन एच थ्री का दिया जीरो पॉइंट थ्री जीरो ए दिया थ्री जीरो मीन्स जीरो पॉइंट थ्री तो इसकी वैल्यू आ वा जाएगी पी ओ एच इज इक्वल टू इसको अगर हम सॉल्व करेंगे वन पॉइंट एट इन टू टेन पार माइनस फाइव हम इसको ऐसे करके भी लिख माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे अंदर कितना बच जाएगा लॉग ऑफ वन पॉइंट एट प्लस लॉग ऑफ टेन रेज टू द माइनस फाइव और यहाँ पर कितना आ रहा है लॉग ऑफ पॉइंट हटाएंगे दोनों जगह ऊपर टेन नीचे भी रहना आ जाएगा दोनों कैंसिल आंसर लॉक टू अपॉइंट थ्री इसको अगर हम सॉल्व करें दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी सम वॉट अराउंड दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी फोर पॉइंट सेवन फोर और अगर इसको सॉल्व करेंगे लॉक टू अपॉइंट थ्री को और ये वैल्यू आ रही है माइनस जीरो पॉइंट वन एट तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस माइनस जीरो पॉइंट वन एट अगर इसको माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव सिक्स ये पी एच की वैल्यू आ गई वी वेरी वेल नो कि पी एच प्लस पी ओ एच एच ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड इज़ फोर्टीन हमें पी एच निकालना था तो यह आ जाएगा फोर्टीन माइनस पी ओ एच पी एच कितना था फोर पॉइंट फाइव सिक्स फोर्टीन में से फोर पॉइंट फाइव सिक्स माइनस कर लेते हैं टेन में से सिक्स निकाले फोर नाइन में से फाइव निकाले फोर यहाँ पे थर्टीन में से नाइन पॉइंट फोर फोर तो पी एच कितना आ गया नाइन पॉइंट फोर फोर विच इज़ इन ऑप्शन बी